Okay. I think Bijal ji has also joined. हाँ Okay, so Bijal bhai, can you start the prarthana? Because you have joined now, so all of us will go to mute. hear me? Don't see Vijay has joined. Yeah, he Yeah, has he's joined. 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 We can hear you, Bijal. चलो प्रार्थना करें. चला जय श्री हाँ कृष्ण. I've joined through my mobile. Laptop is not working. Some error is coming. So I hope you can hear ओके me. यस Okay. अयम निज परो वेद्य यस. उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुंबकम्. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण बताने. जय श्री जय श्री कृष्ण बताने. जय श्री. बीजा जी, पहले ब्रह्म निर्वाण करें कि राम स्रोत नहीं, जो. पहले पहले ब्रह्म निर्वाण, फिर राम रक्षा. लंबा है वो, लंबा चलेगा. अच्छा ठीक है, तो वो कौन करने वाला था ब्रह्म निर्वाण? संगीता बेन. हाँ. इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्षाम्यन्न सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्य मध्ये च भूतानामन्त एव च जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति येनं वेत्ति हन्तारै यश्चेनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यश्च शाश्वतोऽयं पुराणो नान्यते हन्यमाने शरीरे भासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति योऽन्तसुखोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषयक्षीणकल्मषः छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रता ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यावारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं न रूपमस्येतथोपलभ्यते
नान्तो न चार्दिन न च संप्रतिष्ठा अश्वस्तमेनम सुविरूढमूलम असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तत पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिंगतानानि वर्तन्ति भूय तमेव चागम पुरुषं प्रभग्गे यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदमा व्ययत न तत्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्दाम परमं मम शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् सर्वकर्माप्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् श्रद्धावानं सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यप्रयाति सदमद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम रक्षा प्रज्ञा आप म्यूट पे हो या जय श्री कृष्ण एवरीवन। कल हमारे लिए एक महत भाग्य का दिन था सबके लिए जो श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में। सबने बहुत उत्सव की तरह वो दिन सेलिब्रेट किया है हम सबने। हम लोग अभी मैं राम रक्षा उसी उपलक्ष में राम रक्षा का पाठ करने वाली हूँ। तो एक दो लाइन में कहना चाहती हूँ राम रक्षा के बारे में। राम रक्षा क्यों हम लोग कहते हैं? तो राम हम जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो हर उनके मानव रूप में श्री विष्णु अवतरित हुए हैं और उन्होंने एक सामान्य मनुष्य का जो जीवन है वो जिया है। सामान्य मनुष्य के जीवन में जो जो कोई सुख आते हैं, दुख आते हैं, कर्तव्य आते हैं, अलग अलग तरह के रोल उन्हें प्ले करने पड़ते हैं। अलग अलग हर जो हम बोलते हैं दशरथ के राम अलग हैं, कौशल्या के राम अलग हैं, उनके भाइयों के राम अलग हैं, भरत के अलग हैं, लक्ष्मण के अलग हैं, सीता माँ के अलग हैं, विभीषण के अलग हैं, सुग्रीव के अलग हैं, वो जो अयोध्या की जनता थी उनके राम अलग हैं। तो ये अलग अलग रोल जो उन्होंने प्ले किए हैं, किसी भी रोल में उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे हमारा शरीर की रक्षा करना, हम हर शरीर के अंग के लिए हर उस राम को अपील करते हैं कि ये जैसे आपने दृश्यव यानी आंखें, घ्राण, मुख, अलग अलग नामों से उनको पुकार के हम लोग या उनसे अपील करते हैं कि उस रोल में जिस तरह आपने कार्य किया है वही क्षमता, वही सद सद विवेक बुद्धि हमें भी दे, ताकि हमें भी पता है हमको कि हमको भी हमारे जीवन काल में अलग अलग रोल प्ले करने पड़ते हैं। तो हम हर रोल में हमारा जो कोई भी कर्तव्य हमको दिया गया है, भगवान ने दिया है, वो अच्छी तरह हमसे वो कार्य
संपूर्ण हो, वो कर्तव्य हमारा पूर्ण हो, ये प्रार्थना करते हुए, और राम रक्षा हमारा जो शरीर है वो हमारे मोक्ष का साधन है, तो हमारे हर शरीर का, हमारे हे राम हमारे शरीर की रक्षा करें ताकि हम हमारे कर्तव्यों को कर सकें और अंततः हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इसी तरह हमारे मन को, मन की भी रक्षा करें, जो हमारे जो विषय आसक्त हो के हम लोग हमारे मोक्ष के पद से हट जाए, राम के पद से हट जाए, उससे हमारी रक्षा करो, ये नेगेटिविटी से हमारी रक्षा करो हे राम, यही प्रार्थना करते हुए। और ये प्रार्थना सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है, हमें जो करना है वो सबके लिए करना है, क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबकम है हमारा, इसके लिए जो करना है, जो मांगना है वो सबके लिए हमें मांगना चाहिए। एक रिक्वेस्ट है, जिन्हें राम रक्षा आती होगी प्लीज आप अपने अपने एंड पे म्यूट करके मेरे साथ आप प्लीज करें, ताकि हमारा ये राम रक्षा, ये सेवा की तरह हम लोग कर सके। मैं शुरू करती हूँ। ओम सार्थ श्री राम रक्षा, श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीता राम चंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमत हनुमान कीलकम् श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः अथ ध्यानम् ध्याये त्याजानुबाहुं द्रुतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमरुजटामण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुषा महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाणां पाणिं नक्तं चरान्तकम् स्वलीलया जगत्रातु मा विभूर्तमजं विभुं राम रक्षा पठेत् प्राज्ञा पापघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु फालं दशरथात्मजा कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति बाणं पातु मखत्राता हंसौमित्रवत्सला जिह्वा विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दित स्कन्दौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेशकार्मुक करौ सीतापति पातु हृदयं जामदग्निज मध्यं पातु खरद्वंसी नाभिं जाम्भवदाश्रया सुग्रीवेशकटि पातु शक्तिनि हनुमत्प्रभु पुरुरघुत्तमं पातु रक्षकुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीद पातु रामोऽखिलं वपु एतां राम बलोपेतां रक्षाम्य सुकृती पठेत् सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योमचारिणश्चन्दचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभि रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वास्मरान् नरो न लिप्यते पापै मुक्तिं मुक्तिं च विन्दते जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारये तस्य करस्था सर्वसिद्धया वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहतान् सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्ठवान् यथा स्वप्ने रामरक्षाभिमां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिका आरामाकल्पवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिराम त्रिलोकानां राम श्रीमान् सन प्रभु तरुणौ रूपसम्पन्नौ
सुकुमारो महाबलो पुंडलीक विशालाक्षो क्षीर कृष्णांजिनांबरो फलमूलाक्षिनौ दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्तेतो प्रातरो राम लक्ष्मणो शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतानो रघुत्तम आतस्सज्जा धनुषा विसुस्पृश्या वक्षया शुगनिशुङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणवग्रत पथि सदैव गच्छतां सन्नदकौचीखड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामं पातु स लक्ष्मणो रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स पुरुष पूर्ण कौसल्येयो रघुत्तम वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमा जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रमा इत्येतानि जपं नित्यं मद्भक्त श्रद्धयान्वित अश्वमेधादिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशया रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणौ नरा रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्यं करुणाणवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंघं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृणामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुत्थर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु शुभं भवतु हरि ओम्।
वेरी नाइस ये राम रक्षा प्रज्ञा, हाँ कैन यू ऑल जी हियर मी? हाँ, ये राम रक्षा जैसे जी कहते हैं, अपने विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं ना, उसी हिसाब से इनकी भी वही हमारे ऊपर इफेक्ट होती है, ऐसा ये लास्ट श्लोक में जो स्टांजा में बताते हैं, बहुत ब्यूटीफुल। जो विष्णु सहस्त्र नाम का पठन जैसे हम करते हैं, वैसे ही ये राम रक्षा स्तोत्र उसी तुलना में ये उसकी गणना होती है। जी वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत थैंक अच्छा। यू प्रज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, आत्मसंयम योग। बहुत हर्षोल्लास से भगवान राम का स्वागत किया भारत में। राम लल्ला आ गए, क्या अब सारे संकट दूर हो जाएंगे भारत के? ये प्रश्न है मेरा। आपके जीवन के सब संकट दूर हो गए? प्राण प्रतिष्ठा करने से मंदिर में भगवान राम की? कभी नहीं। राम को हृदय में बिठाना होगा, तभी आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मंदिर में मूर्ति बिठाना बहुत आसान है, हृदय में बिठाना कठिन है। आज ये राम रक्षा स्तोत्र किसने लिखा था? बहुत ही दुर्लभ बात है ये। राम के गुरु विश्वामित्र ने अपने शिष्य की स्तुति करते हुए ये स्तोत्र लिखा है। दुर्लभ है ये, विश्व में कहीं पर भी गुरु ने शिष्य की स्तुति नहीं की होगी, यहां पर है। तो क्या उत्तुंग चरित्र होगा भगवान राम का। विश्वामित्र जी ने उनके गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है रामचरितमानस। क्यों? आने वाले भविष्य में जब जब मनुष्य रामचरितमानस पढ़ेगा, आई एम सॉरी, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेगा, तो उसमें भगवान राम के गुण के दर्शन होंगे। भगवान राम के गुण हमें उठाने हैं, जीवन में आत्मसात करने हैं। वो कैसे होगा? जब भगवान राम का चिंतन करेंगे तब होगा। उनको मन में बिठाना है, उनको बुद्धि में बिठाना है, उनको हृदय में बिठाना है। हजारों मंदिर होंगे भगवान राम के भारत में, बट मेरे जीवन में कब फर्क आएगा? जब राम लल्ला को मैं हृदय में बिठाऊंगा तब फर्क आएगा। मंदिर और मूर्ति सहायता करती है उसमें, बट वहां पर भी है, डोंट हैव टू स्टॉप। वो भक्ति का पहला स्टेप है, वहां से भक्ति शुरू होती है। ध्यान केंद्रित करने में हमारी मदद करती है, लेकिन हमें वहीं अटकना नहीं है। भगवान राम के गुण दर्शन करना है, गुण चिंतन करना है, मन में लगाना है भगवान राम को और हृदय में बिठाना है, तब जाके उनके गुण हमारे अंदर आएंगे। और निश्चित यदि भगवान राम के गुण सब में आ गए तो वसुधैव कुटुंबकम निश्चित सिद्ध होगा, क्योंकि राम त्याग मूर्ति है। सबसे बड़ा लक्षण यदि प्रभु राम का कोई होगा तो त्याग मूर्ति। बताइए, अपने भाइयों के लिए एक क्षण में कोई भी द्वेष के बिना किसने सिंहासन छोड़ दिया? बड़े भाई का संपूर्ण लक्षण उनके अंदर था, त्याग मूर्ति थे भगवान राम, सेक्रीफाइस। आज ये गुण हमारे अंदर से अदृश्य हो गया है। सबको अपने हक की बात करनी है, त्याग की बात किसी को नहीं करनी, कर्तव्य की बात किसी को नहीं करनी है। एक बार करना शुरू कीजिए, देखिए कितने लोगों के साथ आप जुड़ जाते हैं। इन गुणों के ऊपर हमारा चिंतन होना चाहिए, तब रामनवमी सिद्ध होगी, तब रामलल्ला हमारे जीवन में आएंगे इन द राइट टर्म, इन द ट्रू सेंस। ये सभी जो स्तोत्र है केवल पढ़िए मत, ये कोई हमारा भाषा का क्लास नहीं है कि आपको आपकी संस्कृति यहाँ पर शुद्ध करनी है। लैंग्वेज लर्न करने लिटरेचर का क्लास नहीं है, ये अध्यात्म का क्लास है। यहाँ पर अपने आप में परिवर्तन लाना हमारा ध्येय है। वो केवल पढ़ने से नहीं आएगा, वो समझना पड़ेगा। जब भी ये सब स्तोत्र आप पढ़ो तो उसके साथ उसका अर्थ भी समझो। अर्थ के ऊपर ज्यादा लक्ष्य दो, ना कि उच्चारण के ऊपर। ये अर्थ ही हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा विचार बदलेंगे। मैंने देखा था प्रज्ञा जी ने जब ये पोस्ट किया तो उसके नीचे मीनिंग भी था हर एक श्लोक का, डू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पढ़ने से ज्यादा एक्सप्लेनेशन पर, उसके ऊपर ध्यान दो आप, ये कहना क्या चाहता है राम रक्षा स्तोत्र। तो इस प्रकार संकल्प कर
केवल मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा कर हम अटक नहीं जाएंगे, वहां पर राम को सौटा हृदय में बिठाएंगे। हनुमान जी ने मंदिर नहीं बनाया था एक भी राम का, सीधा उठा के हृदय में बिठा दिया था परम भक्त राम के, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं है भगवान राम का, हनुमान जी। हमें भी ये करना है, उनसे सीखना है हमें। राम जब हृदय से निकल जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, भले ही 10 मंदिर अपने आजू बाजू में हो, हृदय में आ गए राम और एक भी मंदिर ना हो तो भी चल जाएगा, लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा हमारा। तो राम का चिंतन करे, राम का गुणगान करे, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए। बहुत सुंदर भजन था, भद्रता और सभ्यता का ध्यान धरिए उनके। सभ्य यानी सिविलाइज्ड, भद्र यानी अच्छा, वेल बिहेव्ड, ये गुण थे उनके अंदर, इसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। भद्र आनो भद्राहा कृतवो यन्तु विश्वतः, कितनी बड़ी गर्जना की वेद ने कि भद्र यानी कल्याणकारी विचार, कल्याणकारी कर्म हमें हरेक दिशा से प्राप्त हो। कर्तुम विश्वम आर्य, सारे विश्व को हम आर्य कहें बनाएंगे, आर्य यानी सिविलाइज्ड सभ्य बनाएंगे उनको, ये हमारा लक्ष्य था। ये लक्ष्य के लिए जब हम कार्यरत होंगे तब विश्व गुरु होंगे। गुरु का क्या कार्य है? अपने शिष्य के ऊपर संस्कार करना, ये गुरु का कार्य है। उसके अंदर की पशुता निकाल के मनुष्यता खिलाना, ये गुरु का कार्य है। ये कब होगा? विश्व गुरु जब लोगों के जीवन परिवर्तन, तब विश्व गुरु होंगे। कर्म मार्ग धैर्य होना चाहिए, विश्व को हम आर्य करें। सभ्य हर तरफ युद्ध चल रहे हैं, यहाँ पर भगवान प्रतिष्ठा हो रही थी और वहां पर चीन ने अपने जहाज, नेवी मिलिट्री जहाज मालदीव्स में लाके खड़ा कर दिया। कब समझेगा मनुष्य कि युद्ध नहीं करना चाहिए? वहां इजराइल में युद्ध चल रहा है, वहां रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। भारत का प्रयत्न होना चाहिए कि ये युद्ध अटके और लोग भाईचारे से रहे, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने प्राप्त किया है वो यहीं छोड़ के जाने वाले हैं, कुछ भी हमारे साथ नहीं आएगा, आएगा केवल हमारे विचार और संस्कार हमारे साथ आएंगे। विश्वगुरु बनना है तो विश्व में से युद्ध निकालना होगा, सारे विश्व को अयोध्या बनाना होगा। या बोलने से, पोस्टर लगाने से, बैनर लगाने से नहीं होता है, लोगों की सोच बदलनी पड़ती है, आपके चरित्र से वो इंस्पायर होने चाहिए, ऐसा आपका चरित्र होना चाहिए, तब जाके लोग मानेंगे आपकी बात। ये लक्ष्य होना चाहिए भारत का, तब वो विश्व गुरु बनेगा, तब वसुधैव कुटुंबकम सिद्ध होगी। इसके लिए आध्यात्मिकता जो है भारत की सबसे ऊपर है, ज्ञान भारत का, नॉलेज, इतना डेप्थ में कोई विश्व कोई धर्म नहीं गया है जितना आध्यात्मिक ज्ञान भारत के पास है। बिकॉज भारत ने फ्रीडम दिया, वेदों ने फ्रीडम दिया, क्वेश्चन, गुरु कहते हैं इसके लिए मान मत लो, प्रश्न करो ईश्वर है कि नहीं, डाउट, प्रश्न करोगे तो आपकी बुद्धि चलने लगेगी, आप स्वीकार कर लोगे तो बुद्धि वहीं अटक जाएगी आपकी। यू हैव डाउट टू रेज क्वेश्चंस, यू हैव राइट टू रेज क्वेश्चंस, यू हैव राइट टू डिफर, आपके विचार अलग है, डजंट मैटर। वेदों में यदि मानते हो तो आप हिंदू, सांख्य दर्शन भगवान में ही नहीं मानता है फिर भी हिंदू धर्म का अंग है वो, चार्वाक दर्शन मटीरियलिस्ट हेडोनिस्ट ओनली एंजॉयमेंट इन लाइफ बट स्टिल वेदों को मानते हैं तो दे आर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। हिंदू ने सभी विचार, सभी पंथ, सभी को स्वीकार किया है विद ओपन माइंड। इसके लिए हम इतने डीप तक जा सके,
इतने सारे विषयों पर, विविध विषयों पर हम विचार कर सके, क्योंकि हमने बुद्धि को बंद नहीं कर दिया। ये शास्त्र में लिखा है वो सत्य, चैलेंज इट। यदि आपके पास कोई नया विचार है प्रस्तुत करो, सत्य है तो स्वीकार होगा। ये हिंदुत्व की ग्रेटनेस है। वी डिड नॉट इम्पोज, हमारे विचार कभी भी किसी के ऊपर हमने लादे नहीं। प्रूव इट, बुद्धि के एरन पे प्रूव करो आप, ये सत्य है, सब स्वीकार करेंगे हम। तो गर्व है हमें कि हम ऐसे भारत देश में हमने जन्म लिया है कि जहां की आध्यात्मिकता विश्व की श्रेष्ठतम है, और यही आध्यात्मिकता हमें विश्वगुरु बनाएगी। व्हाट इज रिक्वायर्ड, वो विश्व तक लेकर जाए। मंदिर में घंटी बजाने से नहीं होगा, प्रसाद खाने से नहीं होगा, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा बैठ के लोगों के साथ, लोगों के गले में बात उतारनी पड़ेगी, लोगों के मस्तिष्क के विचार बदलने पड़ेंगे, तब जाकर मनुष्य सही मार्ग पर चलने लगेगा, तब राम राज्य की स्थापना होगी। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा। पिछली बार 23वें श्लोक पे विचार किया हमने, योग की संज्ञा की हमने। योग किसे कहेंगे, एक तो आगे के अध्याय में हमने देखा था, समत्वम योग उच्यते, जब राग और द्वेष ये दोनों हमारे लिए समान हो जाएगा, ना कुछ पसंद है ना कुछ ना पसंद है, दोनों से ऊपर उतासीन, ये जब होगा तब हम योगी कहलाएंगे। हमारे अंदर ये नहीं है, हमें जो पसंद है वो चाहिए, जो ना पसंद है उसे दूर भागना है हमें। ये संसार का चक्रव्यूह है, इसमें से बाहर निकलना अति कठिन है। अभिमन्यु को भी अंदर जाना ही पता था, बाहर आना पता नहीं था उसे। हम सबकी परिस्थिति अभिमन्यु जैसी है, ये संसार चक्र के मध्य में आ रहे हैं, भटक रहे हैं, इससे बाहर ये चक्र उसे कैसे आना पता नहीं है हमें, क्योंकि हम सहायता नहीं मांग रहे, भगवान की सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण होते तो अभिमन्यु बाहर निकल आता, लेकिन हम भगवान से दूर हो गए इसके लिए ये संसार के चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सकते। भगवान का साथ लेना होगा हमें, भगवान में घुल मिल जाना होगा, तब यह संभव होगा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम, ये दूसरी व्याख्या योग की। दुख का जो संयोग है उससे वियोग, दुख का संयोग यानी संसार से जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना, काल, इसके द्वारा हमें जो दुख प्राप्त होता है वो दुख का संयोग है, और ये दुख के संयोग का वियोग यानी उससे दूर हट जाना, ये योग है। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स, जीवन से उत्पन्न होने वाले दुख हमें स्पर्श ही नहीं करते हैं। यदि ये स्थिति पर हम पहुंच गए तो हम योगी हैं। हमारे संतों को कितना ही कष्ट दिया संसार ने, ना तो स्वयं दुखी हुए लेकिन हाइट, जिन्होंने कष्ट दिया उनके भी कल्याण की भगवान से प्रार्थना की उन्होंने। ये उच्चतम मनुष्यत्व का आदर्श जो मुझे छल रहा है, जो मुझे त्रस्त कर रहा है, उसके लिए भी मन में दुर्भाव नहीं। इससे और पॉजिटिविटी क्या हो सकती है? जो मुझे परेशान कर रहा है उसके लिए भी मेरे मन में कल्याणकारी विचार है कि उसका भी मंगल हो, ये योगी। नो द्वेष नो राग, सबसे ऊपर जो पहुंच गया है वो, कोई दुख उसे स्पर्श नहीं करता है, दुखों से वियोग हो गया है जिसका वो। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण चेतसा, ये कैसे सिद्ध होगा? निश्चय पूर्वक आपको कर्म करना होगा। कौन सा कर्म? योग और ध्यान का कर्म, अनिर्वण चेतसा, चेतस यानी मन, अनिर्वण चेतसा यानी मन जो कंटालता नहीं है,
हमारे मन की क्या दशा है, मन की क्या अवस्था है, कुछ क्षण एक चीज में लग के रहता है फिर कंटाल जाता है। यू फील बोर्ड, ये बोर्डम क्या है, ये बोर्डम मन का कार्य है। हमें हर एक चीज से कुछ देर के बाद बोर फील होता है क्योंकि मन उसमें अभी नहीं लगता, मन को कहीं दूसरी जगह लगना है। ध्यान के मार्ग में ये बहुत बड़ा विक्षेप है, मन यदि ध्यान से हट गया तो हमारा ध्यान सिद्ध नहीं होगा। इसके लिए अनिर्विण चेतस, मन जो बोर नहीं होता, कंटाला नहीं आता, डोंट फील लेसी, और सातत्य पूर्वक जो ध्यान करता रहेगा, इस तरीके से जब ध्यान होगा तब दुख संयोग वियोगम, तब एक क्षण आएगा जब जीवन का कोई भी दुख हमें परेशान नहीं करेगा, तब हम योगी कहलाएंगे। व्यक्ति दुख देता है, परिस्थिति दुख देती है, वस्तु दुख देती है, समय दुख देता है, भाग्य दुख देता है। जब ज्ञान होगा मन में स्थिर बुद्धि हो जाएगी, मैं कौन हूं, तब ये जीवन के दुख मुझे स्पर्श नहीं करेंगे। ये दुख सब शरीर भोग रहा है, मैं तो आत्मा हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। अपने आप को अलग करना पड़ेगा शरीर से, तब हम ये दुख से ऊपर उठ सकेंगे। तो ये था हमारा 23वां श्लोक। यहां से आगे बढ़ते हैं 24वें श्लोक के तरफ। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तः समन्तः। सिंपल श्लोक, सिंपल इसलिए लग रहा है कि इस पर हम बहुत विचार कर चुके हैं। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा, प्रभव, व्हाट इज भव, भव यानी होना। हम आशीर्वाद क्या देते हैं, आयुष्मान भव, कोई बच्चा हमें ये होता है तो बुद्धिवान भव, विद्यावान भव, भव यानी होना, बुद्धिवान हो तू, विद्यावान हो, आयुष्मान हो, भव यानी होवा, प्रभव यानी बहुत अच्छी तरीके से होना। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा, जो संकल्प से कामना होती है वो उसका त्याग करना। संकल्प विकल्प पर हमने विचार किया था आगे भी एक बार। मन के अंदर सहज स्फुरणाएं होती रहती है, हम विचार करते हैं एक विषय पर, हम विचार करते हैं यानी वी हैव डिसाइडेड कि इस विषय के ऊपर हम विचार करेंगे, बट स्फुरणा जो होती है अपने आप आती है। कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, कभी खुश करने के भाव, कभी दुखी करने के भाव अपने आप आते हैं, इसे स्फुरणा कहते हैं। अभी हमारे अंदर क्या होता है, चार पांच स्फुरणाएं हुई, उसमें से हमें जो सुख देने वाली है, जो हमें पसंद है, उस स्फुरणा को हम पकड़ लेते हैं, उसको जाने नहीं देते। We start thinking on that. ये हो जाती है हमारी कामना, कामना यानी इच्छा, ये चाहिए मुझे। जब स्वर्ण मृग देखा होगा सीता जी ने, तो उनको मन में स्फुरणा हुई होगी, कितना अच्छा है, और जैसे ही ये स्फुरणा हुई, कितना अच्छा है कि मन ने वो स्फुरणा पकड़ ली और वो कामना में रूपांतरित हुई कि अब मुझे ये चाहिए, बिकॉज अच्छा है ये मुझे चाहिए, ये अच्छा है ये स्फुरणा, अब मुझे चाहिए, ये कामना में रूपांतरित हो गई। तो कामना के पहले का अंग है स्फुरणा। तो ये जो स्फुरणा है वो कामना में बदलती है। सभी स्फुरणाएं हमें पसंद होती है ऐसा नहीं है, बहुत सारी स्फुरणाएं पसंद भी नहीं होती है, उसका हम क्या करते हैं, उसका त्याग कर देते, ये नहीं चाहिए,
यह दुख देने वाली स्फुरना है। ये भी एक निश्चय है ना, जैसे करने का हमने संकल्प किया कि ये मुझे करना है, ये अच्छा है, सुखी सुख देगा मुझे, वैसे ही ये नहीं करना है, ये मुझे दुख देगा, ये भी एक निश्चय है। वो भी एक निश्चय था, ये भी एक निश्चय है, ये भी एक प्रकार का संकल्प ही है, लेकिन उसको विकल्प कहते हो। जो करने की जो कामना है वो संकल्प, जो नहीं करना है जिसका त्याग करते हैं हम विकल्प। तो इच्छाओं के भी मूल में जो संकल्प विकल्प है वहां तक जाना है हमें। स्फुरणा के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, अपने आप आती है वो, लेकिन संकल्प विकल्प पर हमारा कंट्रोल है। हमारे में और योगी में अंतर क्या है, साधक में, सिद्ध पुरुष और हमारे में अंतर क्या है? यही अंतर है, हम अपनी स्फुरणाओं को पकड़ लेते, वो असर नहीं होती है उनको। जैसे स्फुरणा आती है वैसे ही जाती है उनके माइंड के अंदर, उनका कंट्रोल है वो, ना जो पसंद है उसे पकड़ते ना जाने देते, उसका त्याग करते हैं। अपने संकल्प और विकल्प के ऊपर उनका नियंत्रण है। तो संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, शेष यानी जो पीछे रह गया है वो शेष, अशेष यानी जीरो, बिल्कुल पीछे कुछ नहीं रहा है वो। इस बात का बहुत महत्व है अध्यात्म में। एक भी छोटी सी भी वासना यदि रह गई है आपके माइंड में, तो वो वासना पूरा वृक्ष बन जाएगी और उस वृक्ष से जंगल बनते हुए समय नहीं लगेगा। एक दाने से हजार दाने उत्पन्न हो जाते हैं, एक बीज हम बोते हैं और बड़ा वृक्ष बनता है और हजारों फल देता है, और उस फल में से दूसरे हजारों वृक्ष उग सकते हैं। वासना का भी ऐसा, यदि संपूर्णता नहीं गई तो एक में से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, तीसरी में से चौथी। चित्त में यदि वासना रह गई तो ध्यान से हट जाएगा, और ध्यान से हट गया, योग से हट गया, तो वापस संसार में लग गया। एंड दैट वन वासना विल क्रिएट अ चेन ऑफ इच्छास, एक के बाद एक आती रहेगी। तो सर्वान अशेषतः, क्यों इतना कठिन है ध्यान में समाधि तक पहुंचना? ये नहीं होता सर्वान अशेषतः, कुछ ना कुछ इच्छाएं तो रही जाती है हमारे अंदर, ये इच्छाएं बड़ा स्वरूप ले लेती है फिर, और हमें ध्यान के मार्ग से हटा देती है। तो आवश्यक क्या है कि सभी कामनाओं का त्याग हो सर्वान अशेषतः, सभी कामनाओं का त्याग हो और इतना भी शेष कुछ भी नहीं रह जाना चाहिए। ये कैसे होगा? मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, इंद्रिय ग्रामम यानी इंद्रियों का समूह, हमारी पांचों जो इंद्रिया है ज्ञानेन्द्रिय, उसका अनुष्ठान मन में है। जब आप कुछ खाते हो, यदि आंख पे कोई मित्र आपके पट्टी बांध दे और आपको कहे ये खाइए, आंख पे पट्टी बांध के हम खाते हैं तो क्या होता है? एक क्षण में हमें ज्ञान होता है हमने क्या खाया। रसेंद्रिय हमारी जो जिह्वा है वो जांच लेती है, उसे ज्ञान होता है कि हमने क्या खाया। ये ज्ञान इंद्रिय और विषय के मिलने पर हुआ, लेकिन यदि करेला खिलाया होता तो आपको मन में दुख होता, ये तो बहुत कड़वा है, और यदि मिठाई खिलाई होती है, अरे वाह ये तो मिठाई है, मन में सुख हुआ होता। तो इंद्रिय और विषय के मिलने पे ज्ञान होता है, लेकिन सुख और दुख की अनुभूति कहाँ होती है? मन के अंदर। ये सभी इंद्रियों का अनुष्ठान मन के अंदर है, एज इफ इंद्रियज आर ट्रिब्यूटरीज, पांच ट्रिब्यूटरी है जाके बड़ी सी नदी के अंदर मिल जाती है। तो यदि मन को हमने अमन कर लिया, मन को यदि हमने अमन कर लिया तो इंद्रिय और विषय कितने भी मिले मन के ऊपर कोई असर ही नहीं होगा, ना सुख ना दुख। ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। हम लोग इंद्रियों का दमन करते हैं,
इंद्रिय को हटा लो, डाइनिंग टेबल पे मिठाई चाहिए ही नहीं, आएगी तो मुझे मन होगा ना खाने का, इंद्रिय का दमन। दमन क्या है? यदि आप खाओ तो भी ना सुख ना दुख, क्योंकि मन को ही आपने उपराम कर दिया है। ये दो, उपरति और उपराम, ये दो अलग अलग विषय है। अभी लेना चाहिए कि आगे लेना चाहिए, ये मैं सोच रहा हूं एक मिनट। तो मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियभ्य समत्तः समन्ततः, यानी फ्रॉम ऑल द साइड्स। विनियम्य मतलब नियम, उसको नियंत्रित यदि आपने संकल्प किया है कि आज एकादशी, तो भी मन में तो इच्छा होती है ये खाओ वो खाओ, भले ही आपने निर्णय लिया इसके लिए आज अन्य खाना आप नहीं खा रहे, लेकिन मन से कोई रोक नहीं सकता, इच्छा होगी, मन में विचार आएगा ये खाओ मैं। इसके लिए मन को भी नियंत्रण में रखना आवश्यक है। यदि मन नियंत्रण में आ गया तो इंद्रिय कोई भी उत्पात नहीं मचा सकता। इसके लिए मन सैवेन्द्रिय ग्रामम, इंद्रिय का ग्राम, इंद्रिय का समूह, पांचों इंद्रिय और मन, इस सबको नियंत्रण में रख के समंततः यानी सभी ओर से, तब जाके ये सर्वान अशेषतः सिद्ध होता है कि इतनी भी वासना मन के अंदर न रह जाए। एक उपरति है और एक उपराम है, ये 25वें श्लोक में आएगा, यदि आपके सामने है तो पढ़िए। 24वें श्लोक पर यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो वी कैन टेक इट, या कुछ कहना है किसी को तो, नहीं तो 25वें श्लोक का आरंभ करते हैं। एनीबॉडी? पच्चीसवा श्लोक पढ़ते हैं। शनै शनै उपरमद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थन मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। शनै शनै उपरमयेत बुद्ध्या धृति गृहीतया। शनै शनै यानी किसी को पता है? शनै स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। संस्कृत में स्लो धीरे को शनै कहा गया। तो इसका क्या हमारे शनि महाराज से कोई कनेक्शन है क्या? सूर्य के पुत्र शनि, शनै क्षण, एवरी सेकेंड, क्षण क्षण, क्षण क्षण, नहीं क्षण क्षण स्लोली, शनै या स्लोली। सूर्य के पुत्र को शनि क्यों कहा गया? यदि आपने ज्योतिष का अभ्यास किया हो तो पता चलेगा, 12 राशियां है, 12 हाउसेस, हरेक ग्रह हरेक राशि में एक निश्चित समय रहते हैं। चंद्र जो होता है खाली 2.5 दिन रहता है एक राशि में, आज मेष राशि में है तो 2.5 दिन के बाद वृषभ में जाएगा, उसके 2.5 दिन के बाद मिथुन राशि में जाएगा। सूर्य 1 महीने तक रहता है, इंग्लिश हॉरोस्कोप देखिए आप, हर एक ज़ोडियक में 1 महीने तक सूर्य रहता है, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज। सूर्य 30 दिन के बाद घर बदलता है, राशि बदलता है, चंद्र 2.5 दिन के बाद, हमारे शनि महाराज 2.5 साल के बाद बदलते हैं घर। सबसे स्लो यदि कोई ग्रह चलता है तो वो शनि है, इसके लिए उसको शनि कहा गया। जो शनै शनै धीरे धीरे घर बदलता है, अभी समझिए व्हाट इज 7.5 थी, ये साल हो गए, और जो 2.5 साल रहते एक राशि में उसे ढैया कहते हैं। कैन यू ऑल हियर मी? थोड़ा बच्चे बंद थी जाए छे, हां बता, स्लाइट बच्चे स्टॉप थे। हां योर नेटवर्क इज वीक विजल। Yeah, I'm today from my mobile phone. I don't know why my net also didn't work. बच्चे नहीं आवाज आउ तो। अच्छा अच्छा धारी लो तो। हाँ कपाई जाए। Yeah, I'm sorry. No, it's okay.
એટલે તમે શનિ નું સાંભળ્યું સંભળાયું હા સાંભળ્યું સાડા સાતી નું જરા નહીં સાડા સાતી નું નહીં સંભળાયું શનિ નું અઢાઈ સાલ મેં શનિ ઘર બદલતા હૈ રાશિ બદલતા હૈ इसके लिए वो अढ़ाई साल को हिंदी में कहते हैं ढैया शनि की ढैया अढ़ाई साल और ये तीन ऐसी ढैया मिला के 7.5 साल जब हमारी राशि के पीछे मध्य और आगे तीन राशि में से शनि महाराज गुजरते हैं तो हमें शनि की 7.5 साती का अनुभव होता है। इसके लिए महाराज शनि को शनि कहा गया क्योंकि वो स्लोली चलते हैं शनै शनै धीरे धीरे चलते हैं। हेलो आवे संभळायु आ वक्त आ वक्त संभळायु यस यस आ संभळायु बराबर या या नेटवर्क ने 7.5 लागी छे राशि जो भी पड़ से आज अमृत काल में आज आपने शुरू नहीं करी लागे नहीं पर आपने हम लोग भगवत गीता के अनुयायी है भगवान ने क्लियर कहा है शुभा शुभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय जो शुभ और अशुभ का त्याग करता है वो भक्त भक्तिमान में प्रियो नर वो मुझे पसंद है। एनीवेज आज 10:15 हो गए समय हो गया है तो ये श्लोक की हमने शुरुआत की आरंभ किया है प्रार्थना करते हैं और अगले अगले मंगलवार को विल कंप्लीट दैट। Can you all hear me? I think all are frozen again. Yes, yes. नहीं संभळाय छे बराबर संभळाय छे हां पण तमने कोई हलता नथी स्क्रीन पर है बहुत स्लो संभळाय रह्यो छे એટલે ધીમ we can do prarthna bijal ji या 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 चलो क्षमापना ने प्रार्थना करी आप कर चरण कृतम वाक काया कर्मजं वा श्रवण नैनं च वा मानस वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय 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 करुणाब्दे श्रीमादेव शंभो ओम शांति 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 जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।